नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलीवान जो है, उसके भारत के दौरे के प्रोग्राम पिछले 6 माह से बनते रहे। 2 मरतबा तारीख भी अनाउंस हुई लेकिन आ नहीं सका। वजह उसकी ये थी कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया और जंग छिड़ गई, जो कि अभी तक जारी है। तो जाहिर है अमेरिका का ज़्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो इसराइल है, इसीलिए प्रोग्राम बनता बिगड़ जाता। खैर, क्या कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बहर आखिर कल पीर के रोज़ जनाब जेक सलीवान भारत आए और अपने काउंटर पार्ट यानी भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजय डोभाल, उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत हुई। अब इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि किसी भी किस्म के जो बैरियर हैं हम दोनों ममालिक के बीच में, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इक्विपमेंट देने के मामले में, वो सारे के सारे बैरियर हटा दिए जाएंगे। इसीलिए एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट किया गया है जिसके तहत, जैसे अभी सेमीकंडक्टर होते हैं, अभी आपको इल्म होना तो चाहिए, नबी हो कई हमारे सुनने वालों को, कि पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका ने जो हाई एंड जो सेमीकंडक्टर हैं, जो माइक्रोचिप्स हैं, वो चीन को देना बंद कर दिया है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि चीन उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अमेरिका को धमकियां देता रहता है, अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सबको। इसीलिए अमेरिका ने जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रांसफ़र पर टुवर्ड्स चीन सेंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन इस सिलसिले में भारत को एक्सेप्शन रखा गया है, और इसकी अनाउंसमेंट पिछले साल जून में जब भारत के वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका गए थे तब भी की गई थी और अब भी उसको दोहराया गया। अब इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, जैसे कि पिछले साल बताया गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक वाले जो फाइटर जेट्स हैं, हवाई जहाज जो जंग में लड़ते हैं, उनका जो इंजन होता है ना, वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जीई कंपनी बनाती है, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत थोड़ी कंपनियों को है या थोड़े ममालिक को है। वो टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को मुंतकिल करने के लिए तैयार हो गया था और ऐसा एग्रीमेंट भी हुआ था। अब उन चीज़ों को फिर से दोहराया गया है और अभी उन कामों पर और ज़्यादा तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ और भी मैदान हैं, फील्ड्स हैं, जहां पर जो है कोऑपरेशन की बात की गई है। अभी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, आजकल इन चीज़ों का बहुत नाम सुनने में आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और टेलीकॉम की मैदान में रैन टेक्नोलॉजी, RAN टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पर जो है अमेरिका तो जाहिर है सबसे आगे, अमेरिका और यूरोप सबसे आगे रहते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ को वो इस किस्म के ममालिक जैसे चीन, रूस के साथ तो खैर उनकी जंग शुरू हो गई है, तो अभी रूस को तो वो ये टेक्नोलॉजी देने से रहे। हाँ, भारत को एक एक्सेप्शन किया गया है
और भारत को ये टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी जो है ना ये ट्रांसफर की जाएंगी, ताकि भारत इन फील्ड्स में भी जो है अपना नाम रोशन कर सके। अभी उनके लिए सिर्फ एक बात को ज़रूरी बनाना है या अश्योर करना है, इंश्योर करना है, वो ये है कि भारत ये जो टेक्नोलॉजीज हैं थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि भारत ये टेक्नोलॉजी हासिल करके चीन को या रूस को, जो भी अगेंस्ट यूएसए या अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, ऐसे ममालिक को ट्रांसफ़र कर सके। और इसके लिए तो भारत तैयार है, इस सिलसिले में हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसीलिए कल जेक सलीवान ने अजीत डोभाल से बातचीत की, और फिर उसके साथ साथ उसने एस जयशंकर, भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उसके साथ भी मुज़ाकरात किए और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत हुई। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम जो था वो था भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से जेक सलीवान की मुलाकात। अब यहाँ पर भारत के और यूएसए दोनों के जो हित हैं, दोनों के जो मुफादात हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं आपस में, इनमें कोई भी किस्म का जो है क्रॉस नहीं करते। एक जगह पर है जहाँ पर रूस और यूक्रेन की जंग है, तो भारत रूस को जो है कंडेम करने से बाज आता है, क्योंकि रूस के साथ भारत के एज ओल्ड 77 सालों से हमारे ताल्लुकात हैं, और जाहिर है वो एक रात में या एक मुलाकात में या एक वाक़े की वजह से तो ख़त्म होने से रहे, लेकिन इसके बावजूद हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है दो साल, डेढ़ दो साल केवल तुर्कमेनिस्तान में मीटिंग हुई थी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और वहाँ पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुतिन को सामने बोल दिया था खुला खुला कि जंग जो है किसी भी मामले का हल नहीं है, आपको चाहिए कि मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। ये अलग बात है कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में, यूक्रेन या इसराइल जंग का कोई मसला हल हो सकता है। हो जाए तो अच्छा है, इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, दोनों जंगों की वजह से, इसराइल हमास और रूस यूक्रेन की जंग की वजह से भी। और इसीलिए जो है पूरी दुनिया, मैंने प्रोग्राम भी किए हैं कि किस तरह इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है जस्ट 2.7% के हिसाब से बढ़ रही है, और तेल जो है नॉर्मली जो है $83 फी बैरल जा रहा है। ये सभी जंगों की वजह से है, नहीं तो जब भी जंग नहीं हुआ करती थी तो $70 के आसपास मिल जाया करता था। तो अभी मैं सिर्फ आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सलीवान, वो भारत आया, भारत के जो पावर्स टू बी हैं जैसे अजीत डोभाल हो, एस जयशंकर हो, और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म मोदी, उनके साथ मुज़ाकरात किए बाहमी दिलचस्पी के, और इसमें उसने ये यकीन दिलाया कि वो अमेरिका जो है जल्द से जल्द जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो भारत को मुंतकिल कर देगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।